दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ नुस्खा लेकर आई हूँ वो पेट में भयंकर से भयंकर गैस या फिर मोटापा या फिर फैटी लीवर की समस्या, इन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। मोटापे के बारे में तो सभी को पता ही है, मोटापा बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कईयों को तो मोटापा पूरे शरीर में होता है, कईयों के पेट में होता है, कईयों के पेट के निचले हिस्से में होता है। ये तीन जगह पर मोटापा होता है। मोटापा कैसे? खाते खाते चर्बी का रूप ले लेता है, ये पता ही नहीं चलता। आज जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ ये चर्बी को पिघला देती है, मोटापे से आराम दिलाती है, गैस की समस्या को दूर करती है। दोस्तों, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है, ज्यादातर लोगों को फैटी लीवर की समस्या हो रही है। यह चर्बी के कारण ही होता है, मोटापा बढ़ने के कारण ही होता है, अपच के कारण भी होता है। ये जो तरीका है वे आपको हाथों हाथ 7 दिन में रिजल्ट देगा, बिल्कुल नायाब नुस्खा है। जब पेट की अपच होती है तो गैस मुंह के जरिए बाहर आने लगती है, नीचे से पास नहीं होती, ऊपर जाने की कोशिश करती है और फिर सिर दर्द होने लगता है। इस सर दर्द का नायाब नुस्खा है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। पहले मैंने आपको ऐसी ही रेमेडी बताई है जिसे आपने बहुत पसंद किया है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं चीज, वो है जीरा। सभी को पता है कि सब लोग जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें जीरा डालते हैं। इंडिया में जितनी भी सब्जी बनाई जाती है उसमें जीरा वगैरह जरूर डाला जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार हुआ करते थे, सब्जी में जीरा डालते थे। पता है जीरा पेट के अंदर इतना बढ़िया काम करता है, पेट के अंदर जितनी भी डाइजेशन की समस्या होती है, खाने की जितनी प्रॉब्लम होती है, ये सारी जीरा उसको सही कर देता है। तभी तो हम सब्जी बनाने से सबसे पहले जीरे को लेते हैं, दही में हम भुना हुआ जीरा डालते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है सौंफ। आपको पता है कि सौंफ डाइजेशन को अच्छा करती है, सौंफ पित्त को खत्म करती है यानी कि एसिड को शांत करती है। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाना चाहती हूँ ताकि आपको कोई झंझट ना करना पड़े, इससे बनाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। सौंफ ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, डकार वगैरह नहीं आने देती, उसको भी ये सही करती है। मुंह की बदबू आती है उसको भी ये दूर करती है, आंखों की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करती है, माइंड को बढ़िया करती है, एक्टिव करती है। सिर्फ तीनों चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। तीसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है धनिया, साबुत धनिया हमने इस्तेमाल करना है। कैसे फायदा करेगा ये? इम्यूनिटी को मजबूत करती है तीनों चीजें। जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर कमजोर है, रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर है, उन्हें रोग जल्दी घेर लेते हैं, इन चीजों का पानी बनाना है। इसे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये तीनों मसाले कितनी मात्रा में लेने हैं, कैसे बनाना है, कैसे आपने इसे पीना है? सबसे पहले हमने यहाँ 1 गिलास पानी लेना है, आप जग भी ले सकते हैं, यानी यहाँ 1 गिलास पानी मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको यहाँ एक इंसान के लिए बता रही हूँ। इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिए। इसके अंदर हमने दूसरी चीज जो मिक्स करनी है, 2 चम्मच सौंफ डाल देनी है और 1 चम्मच हमने धनिया का जो बीज है वो डाल देना है। रात भर के लिए आप इसे ढक कर रख दीजिए। इस पानी के अंदर इन तीनों चीजों का अर्क, इनका असर चला जाएगा। सुबह आपने इसे हल्का सा गुनगुना करना है, छान कर इस पानी को पी लेना है, सुबह खाली पेट पीना है। ध्यान रखिए, आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। 7 दिन लगातार अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो ये बचा हुआ सौंफ, धनिया और जीरा है, इसे उसी टाइम पानी में फिर भिगो कर रख दीजिए 1 गिलास पानी में, और इसे शाम के टाइम दोबारा ऐसे ही बनाकर पीजिएगा। इसके बाद दोबारा इसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 बार इस्तेमाल आपने जरूर करना है, दोबारा आप इसे फेंक सकते हैं। दोस्तों, ये इतना असरदार होगा, इतना फायदेमंद पानी होगा, ये पानी बच्चों को दिया जाए, बुजुर्गों को दिया जाए या बड़ों को दिया जाए, जिनको भी दिया जाए, डाइजेशन जिनका भी अच्छे से काम नहीं करता, ये उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ये ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक, ऐसा डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया जिसे आपने रोजाना दिन में 2 बार पीना है। शाम को आप इसे 6 से 7 बजे तक पी लें, उसके बाद नहीं पीना। इसे पीने के क्या क्या फायदे होंगे? डाइजेशन आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि खाया पिया सब हजम हो जाएगा, बहुत अच्छे से पच जाएगा, आपका मोटापा जो है वो मेल्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, चर्बी बाहर निकल जाएगी। सबसे बढ़िया चीज है, ये चर्बी को पिघलाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, गैस की समस्या को दूर करता है, माइंड को एक्टिव करता है। दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को
डिटॉक्स करता है। फैटी लीवर के लिए ये बहुत फायदेमंद है। आपने इसे नॉर्मल गुनगुना ही पीना है। ध्यान रखिएगा ठंडा नहीं पीना, मटके वाला यानी नॉर्मल इतना सा करके पी सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।